नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। रीज़न इज़ मैंने अपने आप को एक टास्क दिया था एंड दो महीने पहले मैंने पूरा अपने आप को चैलेंज किया था कि अगर ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ मैं इतने कम समय में कर लूँगी तो मैं अपने आप को ये चीज़ दूँगी। सो विच मीन्स मैंने वो पूरी कर ली और वो चीज़ मैंने बाय कर ली है। वो क्या चीज़ है मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ और मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगी कल परसों एक पिक्चर, उसमें आपको पता चलेगा। और कैप्शन ज़रूर पढ़ना, बड़ा मस्त है कैप्शन ना। नेक्स्ट, हम फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेशंस बंदे को किल करती हैं। सो अगर आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर दो किसी भी थर्ड पार्टी से या किसी सेकंड पार्टी से, आप उसमें कोई भी आप काउंट कर लो, अपने दोस्त, दो मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं, फैमिली, मेरी फैमिली भी बहुत प्यारी है, थर्ड इज़ किसी भी आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बॉयफ्रेंड, ब्रदर, किसी से भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो, वो थोड़ा सा भी फुलफिल नहीं होता, हर्ट होता है। सो मेरी लाइफ का सिंपल फंडा है, मैं किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। जो करना है मुझे करना है, मैं बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए करती हूँ, खुद को पैम्पर करती हूँ, किसी का वेट नहीं करती, आओ जी मेरे लिए ये करो या कुछ करके दो। इससे सारी चीज़ें यूँ सॉल्व हो जाती है। पहली चीज़, आपको स्ट्रेस नहीं रहता, सेकंड थिंग, आपको इंतज़ार नहीं रहता, थर्ड थिंग, आप खुद को ही खुश करते हो, खुद से ही बातें करते हो, खुद से ही बिल्कुल अपनी जोन में चलते चले जाते हो, फोर्थ कौन क्या कर रहा है आपको उससे मतलब नहीं होता क्योंकि आप अपने टास्क को फुलफिल करने में इतना ज़्यादा बिजी और व्यस्त हो जाते हो। फिफ्थ, आपकी स्किन का ग्लो मेंटेन रहता है, आपके बाल अच्छे रहते हैं, आपका वेट लॉस बिल्कुल बरकरार रहता है और आप बिल्कुल मेंटेन होकर टिप टॉप घूम रहे होते हो। तो अब हम बात करते हैं, ये तो होगी ज्ञानबाजी वाली बात, इसको हम काटा करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं आपको पोस्ट करके बताऊंगी कि मैंने क्या नया लिया है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि वीडियो टॉपिक के बारे में। मार्केट में मैं बीच में निकली 10-15 दिन पहले, मुझे बड़ी अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरीज देखी। सो मैंने कहा यार क्यों ना स्ट्रॉबेरी की टी बना के थोड़े दिन पी जाए और उसका कमाल देखा जाए। मेरा हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा हो रहा था पिछले कुछ महीनों से, मेरा हेयर फॉल रुक गया स्ट्रॉबेरी की टी से, ए पार्ट। बी पार्ट, मेरी बॉडी में दवाइयों की वजह से जो वाटर रिटेंशन हो रहा था वो चला गया। थर्ड पार्ट, मेरा बेली ना स्वेलिंग हो गया था दवाइयों की वजह से, एकदम बलून की तरह। मैं अपना वेट चेक करने में भी डर रही थी, बट मैंने जैसे जैसे चेक करा तो वो 2 किलो बढ़ा हुआ था, बट अब वो रिड्यूस हो चुका है। बट स्ट्रॉबेरी की टी ने मेरा वेट रिड्यूस करने के साथ साथ, जो कि वाटर रिटेंशन था, और उसके साथ साथ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में बहुत हेल्प करा है। मैं लगातार पी रही हूँ इसको, 10 दिन हो गया मुझे पीते हुए और रिजल्ट्स बहुत अच्छे मुझे मिले हैं। आई नो बहुत सारे हम लोग हैं जिनको खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं एकदम से मौसम चेंज होने की वजह से, बहुत सारी ठंड होने की वजह से। अब ऐसा तो नहीं है कि यार हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो बीच में हम रोक दें और उदास होकर बैठ जाए जी ये तो खराब हो गया, हमारी किस्मत ही खराब है, हमारा टाइम ही खराब है, हमारा वेट लॉस हो ही नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सीजनल फ्रूट है, सीजन का जितना भी फ्रूट होता है उसका इन्फ्यूज करके जो वाटर पिया जाता है, उसकी टी पी जाती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ मैं ये नहीं बोलूंगी कि इस टी को पीने से इतना केजी लूज हो जाएगा और आप एकदम पतली कमर लेकर अपने आप को दिखाओगे, ना ना ना, गलत बात है, वो एक वीडियो को सेल करने वाली बात है काइंड ऑफ। यहाँ पे मैं बोलूंगी अगर आप एक वेट मेंटेनेंस पे हो, आपका कुछ केजी गेन हुआ, आप ये टी पियेंगे, आपका लगातार 10 दिन आपका अच्छा खासा वेट गेन जो है वो लूज हो जाएगा, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो। जो जो लोग वेट लॉस पे हैं बट उनका वेट कहीं ना कहीं स्टक है, जो 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो ये टी अगर ऐड करेंगे मिड ब्रेकफास्ट में, इवनिंग के टाइम पर, या दिन में 2 बार भी ले सकते हो, दिन में 1 बार भी ले सकते हो, या रात को सोते समय, तब भी आपका जो वेट है वो पुश मिलेगा, गिरना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन जिन के घर में शादियां हैं, जिनकी शादियां अभी फरवरी में है, मार्च में है, और जिनको लगता है कि उनको बिल्कुल फ्लैट बेली चाहिए और वो डाइट भी कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपने आप को, सॉल्ट भी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी जंक नहीं खा रहे हैं, वो ये टी ऐड करने से तो उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। थर्ड, आपका जो ये लव एंगल्स के साइड पे जितना फैट के बल्जेस होते हैं उसके इंचेस आप धीरे धीरे नोटिस करोगे, वो कम होने चालू हो जाएंगे। ये टी आपको पुश करेगा आपका वेट लॉस, ऐसे नहीं है कि इस टी के पीने से कम हो जाएगा, शाम को पाव भाजी चल रही है और सुबह छोला भटूरा, नो बच्चा नो, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, ये जो टी है ये बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट से मैंने बनाई है, चुन चुन के मैंने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं। जब आप इस टी को बनाओगे आपके घर में इतनी अच्छी खुशबू आ जाएगी, एकदम प्रेगनेंस लेते ही ना आपको फील होगा यार इसको पीनी चाहिए, इसको पियेंगे, खुद पियो, सबको पिलाओ, माइंड को फ्रेश करो। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जब हम बड़ी भसड़ में होते हैं, गुस्से में होते हैं और हमको नींद नहीं आ रही होती, हम कहते हैं, हम अंदर ही अंदर गालियां देते रहते हैं सामने वाले को, खुद को, कि यार ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उस टाइम पे कुछ नहीं करो, बिस्तर छोड़ो, भाग के जाओ किचन में और ये टी बनाओ और पीना चालू करो, माइंड रिलैक्स होगा, खुद को रिलैक्स मिलेगा और सोने की कोशिश करो।
नेक्स्ट, ये टी कब कब ले सकते हैं, कौन कौन ले सकते हैं? कोई भी ये टी ले सकता है, सिर्फ डायबिटीज वाले, शुगर वाले पेशेंट को छोड़कर। थोड़ी सी मीठी है ये टी। अच्छा, ये जो टी है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो तो मैंने आपको बता दिए। अब इसका टाइम बताती हूँ, हम इसको कब ले सकते हैं। या तो आप इसको मिड ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, या आप इसको इवनिंग टी के टाइम पे ले सकते हो, या आप इसको रात को सोने से पहले ले सकते हो। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इवनिंग टी के टाइम पे या सोने से पहले, ये दो टाइम पे हम इस टी को लेंगे। अनदर पार्ट, ये जो टी है ये ताज़ी बनाओ, ताज़ी पियो। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जी भैया हम ऑफिस जा रहे हैं, हम रात को लेट आएंगे, तो फिर आप रात को सोने से पहले इस टी को पियेंगे। तो सुबह बनाकर आप शाम को इसको मत पीना, ताज़ी ताज़ी बनाओ और पियो, और खुशबू लो इसकी ना, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। नेक्स्ट, ये जो टी है ये स्पेशली वर्क करेगा आपके बेली के एरिया के आसपास का, बेली का फैट को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छे से काम करेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन क्योर करेगा, आपका वाटर रिटेंशन क्योर करेगा, एंड उसके साथ साथ आपका जो खाना है, जो थोड़ा बहुत इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है, हमको स्वेलिंग आ जाती है, एकदम शाम को बलून की तरह हम फूल जाते हैं, उसको भी कम करेगा। तो ये टी बनानी कैसे है, चलते हैं मेरे साथ किचन में। तो ये रहे हमारे स्ट्रॉबेरी डिटॉक्स टी, कैसे बनानी है उसका सामान। सबसे पहली चीज मेरे पास है यहाँ पे सिनेमन की स्टिक, थोड़ा सा केसर, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे मैंने स्लाइस कर रखी है 2 से 3। 3 स्लाइसेस मुझे चाहिए कीनू, संतरा, माल्टा, जो भी आपको मिले वहां पर। मेक श्योर उसके जो सीड्स हैं आप रिमूव कर दो। बहुत ही सिंपल है, बनाते हैं। मेरा पैन, पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा गरम गरम पानी, 2 बड़े कप, क्योंकि ये बड़े बड़े कप ही हम पियेंगे। ऑलमोस्ट लाइक 3 कप बना लेती हूँ, मेरे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, उनको भी पिला देंगे जी हम। जैसे ही पानी ये मेरा उबल जाएगा, धीरे धीरे मैं इसमें सारे अपने इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। नंबर 1 ये गए मेरे ऑरेंज के स्लाइसेस, नंबर 2 मेरी सिनेमन की स्टिक, नंबर 3 मेरे केसर के धागे, नंबर 4 मेरी चॉप्ड की गई स्ट्रॉबेरीज, बहुत अच्छे से अब हम इसे बॉईल करेंगे, बहुत अच्छे से, जब तक ये आधा कप ना हो जाए। मतलब कि अगर आप, मतलब 2 कप भी अगर आप बना रहे हो, देन आपको 2 बड़े कप पानी लेना है और इसको उबालना है जब तक वो 1 कप ना हो जाए, और खूब अच्छे से बॉईल करना है, बहुत अच्छे से। सो अभी हम इसे उबालते हैं। खुशबू ऑलरेडी बड़ी प्यारी आनी चालू हो गई है यार। ओके जी, सो हमारी टी जो है उसको हम स्ट्रेन करेंगे। वेलकम बैक जी। सो ये टी बनाओ, खुद पियो, घर में सबको पिलाओ, सबको हेल्थ कॉन्शियस कर दो, मम्मी पापा, आपके भाई भाभी बंधु सबको दो। मैं नहीं कर पाई, मेरे घर वाले सारे जंक खाते, सारा जंक खाते गुड़गांव वाले, बट आप लोग सबको कोशिश करो थोड़ी थोड़ी। मैं कोशिश नहीं कर पा रही, मेरे को ओवर हो गया मेरा वहाँ से ना, तो वो लोग नहीं सुनते मेरी। सो पॉइंट इज कि हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे आप, हम सब। So yeah, that's all about this video guys. So take care जी, bye bye. खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए, खुद को special feel कराइए, एक ही जिंदगी मिली है, stress में इसको मत काटो। So yeah, that's it. I'll see you soon. Take care जी, bye bye.